अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, ये आप 10x10 का पिंजरा देख रहे हैं टॉप रूफ का। ये हमने फोर्थ फ्लोर पे बनाया हुआ है। अगर आप लोगों ने ऐसा पिंजरा बनाना है तो इस पर कम से कम 12,000 रुपये खर्चा आएगा। हमारा इस पर 13 से 14,000 आ रहा है, क्योंकि ये हमने लॉकडाउन के दौरान बनाया तो हमें चीज़ें ना काफ़ी महंगी पड़ गई थोड़ी। इसमें जो सबसे पहली चीज़ हमने की थी, हमने ये ब्लॉक का नीचे बेस लगाया। ब्लॉक और सीमेंट, इस पर टोटल ख़र्चा आपका आ जाएगा 300 से 400 रुपये। फिर हमने इसके लिए लकड़ियाँ परचेज़ की थी, उसका पहले ढांचा क्रिएट किया, उसके बाद उस पर जाला लगाया। ये देखें, टोटल 10x10 का पिंजरा है। इसमें हमें हमारे पास टोटल 30 मुर्गी हैं, लेकिन इसमें आपकी 60, 70, 80 मुर्गी आराम से आ सकती हैं। फिर हमने इसकी चादरों की छत डाली है इसकी, और अंदर हमने लकड़ियाँ लगाई हैं दो दो करके चार, के जो आपके बर्ड्स हैं वो आराम से बैठ सकें। ये आप देख सकते हैं कि ये 10 फीट लंबा है और 10 फीट ही चौड़ा है। हमने जिसके अंदर जाल इस्तेमाल की, वो कोटेड जाल इस्तेमाल की है, इससे ये कि इसको जंग जल्दी नहीं लगेगा। आपके 300 रुपये के ब्लॉक और सीमेंट, 400 तक का ख़र्चा ये आ जाएगा। 4,000 से 4,500 की आपकी लकड़ियाँ आ जाएंगी, कीले वगैरह, और चादरें 4,000 तक की आपकी चादरें आ जाएंगी। और जाली जो है वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह की जाली परचेज़ करते हैं। हमने जो ये जाली परचेज़ की, कोटेड जाली परचेज़ की, और लॉकडाउन के दौरान की है तो हमें थोड़ी सी महंगी पड़ गई है ये पैसे। अगर आप जाली से नॉर्मल हल्की वाली ख़रीदते हैं तो 2,000-3,000 तक की आ जाएगी। ये जाली भी हमें 4,000 तक की पड़ी, तो टोटल हमारा जो एस्टीमेट बना था वो 12-13,000 के अंदर अंदर हो गया था। अच्छा, जो मेन चीज़ इसके अंदर है, जो ब्लॉक के अंदर हमने जो जिसका फ्लोर बनाया है वो हमने चिकनी मिट्टी का बनाया है। इससे ये होगा कि अंदर का टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा, दूसरी जो ये जो गन करेंगे उसकी स्मेल वगैरह नहीं आएगी। तो आप भी कोशिश करें कि अगर कभी भी टॉप रूफ का पिंजरा बनाएं तो उसका जो अंदर का बेस है, जो अंदर का फ्लोर है, वो इसी मिट्टी का बनाएं। इससे ये कि स्मेल नहीं होगी और इससे कोई बीमारी वगैरह भी नहीं होगी, क्योंकि जो गंद वगैरह है उसकी जो लिक्विड होता है ये उसे सूख लेता है, और बाकी जो ऊपर खुश होता है वो सूख जाता है। उसे आप झाड़ू लगाएँ और साफ़ हो जाएगा। इसके अंदर हमने लाइट्स भी लगाई हुई हैं 3, इसको भी कनेक्शन नहीं दिया हुआ, लेकिन सिर्फ एज अ टेम्प्रेरी लगाई गई, इसका कनेक्शन देना बाकी है। बाकी इसका दरवाज़ा है, बड़ा लॉन्ग दरवाज़ा बना है हमने, के अंदर आराम से जा सके आ सके। हमने ऊपर इसके देखें, ये एक शीट भी डाली हुई कैसे इसकी जो छत है ये गर्म ना हो, क्योंकि ये जो हमने इसके अंदर जो बर्ड्स रखे हुए हैं इनको जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा ठंडा चाहिए होता है। आप पे डिपेंड करता है कि आपने अंदर क्या रखना है, उसके हिसाब से आपका टेम्परेचर मेंटेन करें।